नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया, और आज का वीडियो जो है ना, वो मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा था, तो मुझे लगा यार मुझे भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कीप ऑन परचेज करती रहती हूँ, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ वो रिकमेंड करना चाहिए। तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा, तो मैंने सोचा जब भी अमेजोन पे सेल आएगी ना, तो मैं डेफिनेटली ये प्रोडक्ट परचेज करूंगी, और इसके साथ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्यों मैं इन्हें बारी बारी परचेज करती रहती हूँ। इसमें स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर बहुत कुछ होने वाला है। स्पेशली हेयर केयर प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि शैम्पूस मेरे काफी सारे, पता होगा कि मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, और केमिकल ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर ना आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो लंबे समय तक चले, क्योंकि इतना पैसा लगा हुआ होता है। बाल बहुत ज्यादा मैनेजेबल तो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हेयर जो है वो ड्राई, फ्रीजी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 6 महीने तक हेयर ऑयलिंग नहीं करनी होती है। अगर हेयर ऑयलिंग नहीं होगी तो बालों का ध्यान कैसे रखेंगे? हेयर फॉल तो अपने आप ही होगा ना, क्योंकि केमिकल जब डीपली जाता है तो थोड़े टाइम में वो अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा यूज करती हूँ ये लॉरियल पेरिस का एक्सटेंसो शैम्पू, ये और इसके साथ साथ हेयर मास्क। तो बेसिकली ये फ्रिजी हेयर के लिए है और प्रोफेशनल शैम्पू है। जब भी आप केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने हेयर पे, तो आपको इन बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, और शैम्पू का चुनाव आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है। फर्स्ट मंथ में जो आपको आपका प्रोफेशनल हेयर स्पेशलिस्ट बताता है कि आपको ये वाला ही शैम्पू यूज करना है, वो करके देखिए। अगर उससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको अपना शैम्पू चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार वो शैम्पू जो है सब पे सूट नहीं करता है। लेकिन लकीली इस बार मुझे जो है लोरियल पैरिस का ये एक्सटेंसो केयर बहुत ही अच्छे से सूट किया था, तो इसीलिए मैंने इसे रिफिल करवा किया है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम केमिकल ट्रीटेड हेयर की बात करें तो ये भी कोई सस्ते नहीं होते, 8-10 हज़ार के होते हैं। तो शैम्पू की रेंज जो है 875 रुपीज़ है, और ये आपको कुछ 700 के अराउंड मुझे ये अमेजोन से मिला है। और अगर मैं हेयर मास्क की बात करूँ, बेसिकली ये हेयर मास्क नहीं है, ये हेयर कंडीशनर का काम करता है, लेकिन इसे हेयर मास्क की तरह अप्लाई करना होता है। अगर आप इसे हेयर मास्क की तरह अप्लाई करेंगे तो, और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये बालों को स्ट्रेट रखने में आपकी मदद करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, और जो ऑयलिंग हम जो स्किप कर रहे हैं उसकी नरिशमेंट भी आपको देगा, और आपके हेयर को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। बेसिकली यहाँ से टूटने नहीं देगा, क्योंकि ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री है, इसलिए भी मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया था, जब मैंने मैट्रिक्स का जो है केमिकल ट्रीटमेंट लिया था, उसे अराउंड 2 साल हो गए, लेकिन उससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने लग गया था। तो ओवर द टाइम मुझे समझ में आया कि शैम्पू कितनी जल्दी स्विच करना चाहिए, और ज्यादा महंगे शैम्पू में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको खुद को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हेयर मास्क की कीमत जो है 980 रुपए की है, और ये ज्यादा डिस्काउंट में मुझे कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिला, सिर्फ 900 रुपए में मुझे ये मिला। तो इस पे मुझे बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट नहीं मिला है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही मिला है, लेकिन ये मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे रिफिल किया। जो कीप ऑन रिपीट पे चलता है, क्योंकि मेरी एक्ने प्रॉन स्किन है, मैं नए नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती रहती हूँ, शैम्पू और स्पेशली हेयर मैं अपने स्किन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, या फिर स्किन मास्क हो, कुछ भी हो, मतलब फेस रिलेटेड। तो मेरे को इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा होता रहता है, तो इन्फ्लामेशन का एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट जो एक्नेस के लिए है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं 4 या 5 साल हो गए हैं मैं इसी पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं कोई भी ब्रांड यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं वापस आकर इस टी ट्री द बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश, फॉर्मिंग फेस वॉश है ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 695 रुपीज़ है, अराउंड 620 रुपए में आपको अमेजोन पे ये मिलेगा। ये अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने है, कुछ नहीं सूट कर रहा है, सेंसिटिव स्किन है, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करो, ये इतना ज्यादा अच्छा है। और ये जो आप बॉटल देख रहे हो ना, अगर आप अकेले इस्तेमाल करने वाले हो ना, 3 से 4 महीने कहीं नहीं जाएगा रेगुलर यूज के बाद, और यहाँ पे तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज करते हैं, तो भी ये 2 महीने बहुत आराम से चल जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये तो मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा रहता है, मैं अपने लिए मंगवाऊं ना मंगवाऊं, मेरे हस्बैंड से यूज करती हैं, तो ये तो रहता ही है हमारे घर में पिछले 5 साल में, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली इसे, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप शुगर लिप, मतलब कॉस्मेटिक के फैन हैं, तो ये लिपस्टिक आपके एक बकेट लिस्ट में हमेशा आनी चाहिए। इसमें वैसे छोटे वाले जो होते हैं ना, मिनीज भी आते हैं, ये है शुगर की स्मच मी नॉट लिपस्टिक, 43 शेड नंबर, हॉट शॉट। ये अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं तो आपको पता होगा, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी अनुप्रिया लोढ़ा ब्लॉग्स। नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट करो, फॉलो करो,
क्यों? क्योंकि वहां पे मैं न्यूली लॉन्चेस डालती रहती हूँ, या जो मैं मंगवाती रहती हूँ, या जो पीआर बॉक्सेस में आते रहते हैं, तो वो सब आपको वहां पर दिख जाएगा। और ये लिपस्टिक ना मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, ये थोड़ा सा लिप्स को ड्राई बना देती है, लेकिन अगर आप अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करोगे तो इतना ज्यादा भी ड्राई नहीं करती। पहले मैंने इसके मिनी सेट्स मंगवाए थे, उसमें से ये हॉट शॉट जो शेड है, ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं थोड़ा पिंक फ्यूशिया वाले कलर्स की तरफ ना ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और ये डिस्काउंट पे मुझे कुछ अराउंड, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ अराउंड 400 अराउंड या 350 के अराउंड मुझे मिली। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। वैसे इसका प्राइस 499 रुपीज है। काफी ज्यादा अच्छी है लिक्विड लिपस्टिक, और ये शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, और बहुत अच्छे से लिप्स पे ग्लाइड करती है, और थोड़ा सा लिप्स को ड्राई बनाती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है और मास्क प्रूफ है। अभी आप अगर मास्क वगैरह पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहनना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता कि क्या हो जाए, तो मास्क जरूर वेयर कीजिए। नेक्स्ट भी मैंने शुगर की ही लिपस्टिक मंगवाई है, ये क्रियॉन लिपस्टिक है। अगर आप मुझे जानते होंगे तो मुझे शुगर की क्रियॉन लिपस्टिक बहुत 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 ज्यादा पसंद है। एक तो ये मैट होती है, ऊपर से ये बहुत ज्यादा लिप्स को ड्राई नहीं मतलब बनाती है। अगर आपको लिप्स की मतलब ये ड्राई चैप लिप्स हैं और आप लिक्विड लिपस्टिक नहीं अप्लाई कर सकते, तो ये बिल्कुल लिक्विड लिपस्टिक का ही आपको रिजल्ट देगा, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इजिली लिप्स पे ग्लाइड करता है, लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, और कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, मैट फिनिश देता है, और इसके साथ साथ लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता है मैट फिनिश के साथ साथ। हाँ, ट्रांसफर ये होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें शेड 01 है मेरे पास, वैसे 07 शेड अगर आप ब्राउन न्यूडी शेड में जाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप किसी भी स्किन, इंडियन स्किन टोन के हो, तो ये आप पे बहुत ही अच्छे से सूट करने वाला है, और ये भी मुझे डिस्काउंटेड रेट पर ही मिला है। वैसे इसका प्राइस आई गेस 799 रुपीज है, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 799 रुपीज का है। तो मुझे ये 650 के अराउंड अमेजोन में मिली है, शायद 650 की है। यहाँ स्क्रीन पे मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया तो मुझे प्राइसेस याद नहीं है, जो भी प्राइसेस होंगे यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। वो जब मैंने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया था बालों में, तब मैंने वो मंगवाया था, और अभी मैंने रिफिल इसलिए किया है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी रहते थे, ऐसा ही मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटी के साथ है, तो उसके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी रहते हैं, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता है बालों में, बाल बहुत सिल्की हैं। तो अगर आपको बालों में वॉल्यूम चाहिए, या बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, फ्रीजी हैं, तो वो बालों को स्मूथ भी बनाएगा, साइड बाय साइड आपके मतलब बालों में थोड़ा वॉल्यूम ऐड कर देता है। तो आप मेन है या वुमेन, दोनों ही से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं इतना बता रही हूँ उसके बारे में, उस प्रोडक्ट का नाम है वाओ स्किन साइंस का हिमालयन रोज। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसका अरोमा बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसके साथ साथ इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसका शैम्पू और कंडीशनर का कॉम्बो अगर आप यूज करते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, और इसका अरोमा बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही थी और मैंने उसके लिए ये मंगवाया है, तो मैंने उसको रिकमेंड किया था, तो इसीलिए मैं उसको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं यूज कर चुकी हूँ। इसके रिजल्ट अगर आपकी बहुत ज्यादा थिन आ रहा है, वॉल्यूम चाहिए, बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी डल रहते हैं, तो भी ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अगेन, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल होने का मतलब ये है कि 499 रुपीज ईच फॉर शैम्पू, 499 फॉर कंडीशनर, बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, जरूर 429 रुपीज का बड़ा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ममा अर्थ का उबटन फेस वॉश। अब गर्मी आ गई है, गर्मियों में टैनिंग बहुत ज्यादा होती है, और अभी तो कोविड भी इतना ज्यादा नहीं है, सब कुछ ओपन हो गया है, और बाहर मार्केट जाना कुछ भी करना, तो टैनिंग और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, और उस टैनिंग को रिमूव करने के लिए मैं हमेशा से ही यूज करती हूँ ममा अर्थ का ये उबटन फेस वॉश। जैसे समर्स आते हैं, एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, सूदिंग है उसके अंदर, इसके साथ साथ इसके अंदर आपको हल्दी मिल जाती है और उबटन के सारे गुण मिल जाते हैं। इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज और काफी अच्छे से क्लींस कर देता है, और टैनिंग को रिमूव करने में मदद करता है, और उबटन जो है वो स्पेशली स्किन लाइटनिंग का काम करता है, तो ये टैनिंग और पिगमेंटेशन को टाटा बाय बाय कर देता है, और मेरे स्किन पर सूट करता है। इवन ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आई गेस 299 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन मुझे डिस्काउंट में 250 रुपीज का पड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक, 249 रुपीज में ये मुझे पड़ा है, तो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। जो प्रोडक्ट है वो है बहुत ही प्यारी लिपस्टिक्स, ये 12 का सेट आता है, ये है जस्ट हब की मिनी लिपस्टिक। इसके अंदर 12 लिपस्टिक्स आपको मिल जाती हैं, बिल्कुल छोटी होती हैं, बड़ी लिपस्टिक इतना इजीली जल्दी खत्म नहीं होती है, और हम शेड्स जो है वो नहीं ले पाते हैं, अगर हम सोचे भी तो, अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप जंकी नहीं है और आप जो है लिपस्टिक्स परचेज करना चाहते हैं, तो ये अगर आप बड़ी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जल्दी खत्म नहीं होती है। इसके अंदर आपको 12 डिफरेंट शेड मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में, आई गेस 440 रुपीज है, 460 रुपीज इसका मतलब आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगा। और ये लिपस्टिक की खास बात पता क्या है, इसके अंदर ये ना ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक लिपस्टिक है, तो इसके अंदर ना
कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब लिपस्टिक लगाते हुए फ्रेग्रेंस सर में दर्द करती है या सूट नहीं करती है, या आप अस्थमा पेशेंट है तो अस्थमा पेशेंट को बहुत ज्यादा स्मेल पे फोकस करना होता है, मतलब लिपस्टिक लगाना छोड़ देते हैं जनरली ऐसे लोग, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर है तो वो लिपस्टिक लगाना छोड़ देती हैं, तो ये इसके शेड्स भी बहुत ज्यादा है अच्छे हैं, बहुत ही ईजिली लिप्स पे ग्लाइड करती हैं और गैम मतलब आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरी चीज स्मेल का मैंने आप लोगों को बता दिया, और 12 लिपस्टिक शेड मिल रहे हैं, बस यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मास्क प्रूफ नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं है, 3 से 4 घंटे के लिए स्टे रहती है, उससे ज्यादा ये स्टे नहीं रहती है, ये स्मच हो जाती है और खत्म हो जाती है, मतलब खा जा सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना कि खा गए हम लिपस्टिक, तो वो वाला हिसाब इसमें रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी मदर को या मदर इन लॉ को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसमें न्यूड शेड, लाइट शेड और इसके अंदर आपको सभी शेड्स मिल जाएंगे, तो ये अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट जो है वो मैंने मंगवाया है लोटस हर्बल का फेशियल किट। जनरली मैं फेशियल्स नहीं करवाती हूँ, लोटस हर्बल के फेशियल्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और घर पे इजी टू यूज करने वाले, मतलब इजी टू यूज हैं, आप DIY कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं, तो ये फेशियल किट स्किन रेडियंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है, अगर आप 30+ हैं तो आपको डेफिनेटली गोल्ड या फिर डायमंड फेशियल या फिर पर्ल फेशियल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फेशियल्स ना एक तो काफी अच्छे से क्लेंस कर देते हैं, रिजल्ट्स इनके काफी ज्यादा अमेजिंग रहते हैं और एंटी एजिंग का काम करते हैं और इसका ग्लो आफ्टर ग्लो जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो मुझे ये पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है और मेरे घर पे भी सभी यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात हर्बल है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, तो इसीलिए भी मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। वैसे इसका प्राइस 325 रुपीज है, लेकिन मुझे यहाँ पर 240 रुपीज में या 285 रुपीज में मुझे ये मिला है, जो है वो है बायोलांच का फाइबर स्ट्रॉन्ग शैम्पू। ये शैम्पू मैं पहले भी आप लोगों के साथ रिकमेंड कर चुकी हूँ, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजिंग है या स्पेशली हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हेयर फॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, बालों को झड़ने नहीं देता है और आपके बाल सिल्की स्मूथ और डैमेजेस को रिपेयर करता है, तो ये शैम्पू भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके बाल केमिकल ट्रीटेड नहीं है तो बायोलांच का ये शैम्पू आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बालों की जो वीक हो जाते हैं ना उसे स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, और स्पेशली इसके साथ आपको ऑयलिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन अगर आप इसका कंडीशनर पैक मंगा लेते हैं तो दोनों का कॉम्बो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर तो कैसे मिलेगा। इसके अलावा जो है शुगर का ये हैंड क्रीम मैंने मंगवाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और गर्मियों में हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं स्पेशली घर का काम करके, तो मुझे कोई ना कोई अच्छी हैंड क्रीम चाहिए थी, तो ये क्विंच की मून चेरी नरिश हैंड क्रीम जो है ये मंगवाई है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली ये वाली जो हैंड क्रीम है ना, स्पेशली हैंड क्रीम नहीं, ये पूरी की पूरी रेंज मैंने ट्राई की, इसका स्पेशली क्लेंजिंग बाम वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आफ्टर प्लम मुझे अगर कोई अच्छा लगा है क्लेंजिंग बाम तो ये क्विंच का है, क्योंकि ये मतलब स्किन केयर में आता है और ये सच में बहुत अच्छे से काम करता है। हैंड क्रीम को अभी मैंने यूज नहीं किया तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, जब यूज करूंगी तो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स वहां पे भी फॉलो करो, फटाफट से करो, और यहाँ पे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को भी दबा लो, बहुत अमेजिंग वीडियोज आने वाली है यहाँ पे, और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों की हेल्प हो सके कि ये रिफिल है, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, अगर मैं यूज कर रही हूँ तो डेफिनेटली इसके कुछ रिजल्ट होंगे तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, तो आपको शेयर करना है। तो बाकी मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।